हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, या सामाजिक और धार्मिक सुधार भी कह सकते हैं इसको। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं, क्या मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, क्या पीटी के क्वेश्चन बनते हैं, और क्यों यह इम्पॉर्टेंट है, ये भी आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो नया ट्रेंड आ रहा है किसी भी एग्ज़ाम का, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, वो लोग बिटवीन द चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। वो 1857 से क्वेश्चन की संभावना कम बनती है, लेकिन यहाँ से जो बिटवीन द चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लें। और कंप्लीट करने के बाद आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, और इससे आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो गुड इवनिंग रितु जी, संगीता जी, प्रिया जी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग। ठीक है, कोई डाउट है पिछले क्लास से किसी को, अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर पिछले क्लास से किसी को, नहीं तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग दिव्या जी, चलिए थैंक यू संगीता जी, कि कोई डाउट नहीं है आपको, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैंने वही की कॉन्सेप्ट बताया, कितने लोगों ने अपने घर के दीवार पे लिख के चिपकाया है अपना नाम, एसडीएम राहुल सिन्हा। पता ये चैनल का नाम एसडीएम राहुल सिन्हा कैसे पड़ा, चलिए छोटी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, तब तो तक और लोग जुड़ जाएंगे। हुआ ये कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया, तब बहुत सारे लोग पूछना स्टार्ट करते हैं। जब आपका भी सिलेक्शन होगा तो लोग आपसे पूछेंगे कैसे पढ़ाई किया था, क्या किया था। तो मैंने बताना स्टार्ट किया लोगों को कि ऐसे पढ़ा, ये बुक लिस्ट पढ़ा, ये बुक लिस्ट पढ़ा। तो मेरा एक फ्रेंड फ्रेंड था, उसने कहा यार तुम बहुत अच्छा बताते हो, क्यों नहीं इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालो। तो मैंने कहा यार यूट्यूब यूट्यूब मुझे नहीं समझ में आता, क्या कैसा चैनल बनता है, क्या बनता है, कोई आइडिया नहीं है। तो उसने कहा मैं चलो तुम्हारे लिए चैनल बना देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चैनल बना दो, लेकिन मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और ये सब मतलब नहीं होता कि मैं उतना कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ कि मैं कैमरा, और सही में मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ। बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं कैमरे में इतना सारा करता हूँ, लेकिन मैं हूँ थोड़ा सा इंट्रोवर्ट। मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना, मैं अभी भी मैं वो होता हूँ, थोड़ा सा नहीं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ बहुत लोगों से, जो लिमिटेड लोग हैं मैं उन्हीं के साथ ही ज़्यादा वो करता हूँ। तो उन्होंने मेरा चैनल बना दिया, और चैनल बनाने के बाद पहला जो वीडियो मेरा रिकॉर्ड हुआ अभी भी मेरे चैनल पे है, सबसे ओल्डेस्ट वीडियो जाइएगा, और लगभग 4-5 मिनट के बाद देखिएगा कि मैंने कैमरा जो था वो कुछ किताब और डायरी थी। ठीक है, वहाँ पे मैंने कैमरे को सपोर्ट कर दिया, कोई माइक नहीं है, और कैमरा बार बार गिर जा रहा है, तो बूढ़ा डार्क हो जाएगा कैमरे में, फिर मैं हाथ से उठा रहा हूँ, कैमरा का एंगल सेट कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं इसको अपलोड नहीं करूँगा, तो उसने कहा नहीं नहीं कर दो अपलोड, बहुत अच्छा तुमने बोला है, इसको अपलोड कर दो। तो उसने ही किया अपलोड, बाकी तो मुझे उतना आता नहीं था, उसने अपलोड कर दिया, और फॉर्चुनेटली वो वीडियो बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छे कमेंट आए, लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछे कि क्या होगा। फिर उसके बाद दूसरा मैंने मुझे खुद हुआ, मैंने उसको बुलाया और मुझे बताओ कैसे करना है, क्योंकि लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे मैं उस पर सोच रहा हूँ वीडियो बना दूँ, और वैसे वैसे करते ये जर्नी स्टार्ट हो गई। तो ये तो रहा, ये चैनल का नाम क्या रखना था, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने अपना नाम रखा था एसडीएम राहुल सिन्हा, अपने दीवार पे लिख के रखा था। ऐसा होता नहीं, राहुल सिन्हा एसडीएम होते हैं, मतलब पहले राहुल सिन्हा आएगा फिर एसडीएम आएगा, लेकिन उस वक्त तो दिमाग में था एसडीएम राहुल सिन्हा लिखा था मैंने, और देखिए वो सपना सच हो गया। जब उसने चैनल का नाम पूछा तो मैंने कहा राहुल सिन्हा रखता हूँ, तो उसने कहा नहीं नहीं यार राहुल सिन्हा तो कॉमन नाम है, गुम हो जाएगा। तो उसने कहा राहुल सिन्हा एसडीएम लिख देते हैं, मैंने कहा नहीं एसडीएम राहुल सिन्हा लिखो, वो मेरा मतलब क्या था, ड्रीम था। तो रितु जी अगर आपने वीडियो देखा है तो वो वाला वीडियो देखा होगा, मेरा फर्स्ट वीडियो, उसमें जो कैमरा गिर रहा है मैं उठा रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही रैंडमली, मतलब बातचीत हो रही है और मैंने रिकॉर्ड कर दिया, कोई स्क्रिप्ट में। आज भी जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो ऐसा नहीं कुछ स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ कि बोलूँगा, एक दो पॉइंट मन में आता है मैं वीडियो के सामने बोल देता हूँ, और वही होता है। इंटरनेट प्रॉब्लम है, क्लास नहीं चल रही है। चलिए तो बाकी लोग जो जुड़ गए हैं उनके लिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में
भारत में सामाजिक और एवं धार्मिक सुधार कहिए या आंदोलन कहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो मेजर सुधार धार्मिक आंदोलन थे, कौन किन्होंने किया, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि धर्म और समाज में जरूरत क्यों पड़ी इस किसी चीज़ की, ठीक है। जो भी हमारा धर्म है या समाज है, समाज जानते हैं जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ लोग हैं, चार लोग मिलकर एक समाज बनता है। धर्म है जिसकी कि हाँ, आप कोई हिंदू धर्म से होगा, कोई मुस्लिम धर्म से होगा, कोई ईसाई धर्म से होगा, क्रिश्चियन धर्म से होगा, तो वह है। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी आदमी के पास ज्ञान आता है, ठीक है। क्या आता है? ज्ञान, जो भी उपलब्ध ज्ञान है अभी आपके पास, जो भी अवेलेबल ज्ञान है, ठीक है। उस ज्ञान से क्या करता है आदमी? लॉजिक बनाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ क्या होता है ज्ञान। अब आपने देखा कि सूरज जो है वो पूरब से निकल रहा है और घूमते 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 शाम को पश्चिम में आके अस्त हो जा रहा है, तो ये आपका ज्ञान हुआ। आपने लॉजिक क्या लगाया कि सूरज घूमता होगा पृथ्वी, क्योंकि आप तो नहीं घूम रहे हैं, पृथ्वी एक जगह स्टैटिक है, सूरज घूम रहा है, तो ये आपका लॉजिक हुआ। लॉजिक के बाद जब भी लॉजिक होगा तो आप उसको फैक्ट से अपने लॉजिक को आप अपने फैक्ट से इंपावर करते हैं। मतलब लॉजिक, जब भी कोई लॉजिक देता है, कोई आदमी नहीं बोलता है कि देखो गाड़ी में जब 80 डिग्री पे 60 पे गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारा तेल कम जलेगा, ऐसे बहुत सारे लोग लॉजिक देते हैं, तो उसका फैक्ट बताते हैं कितना माइलेज होता है, वो माइलेज होता है उसमें MPFI इंजन है, ठीक है। तो उसके साथ उस लॉजिक को क्या होता है, आपको सबसे पहले ज्ञान आया। ये मेंस का आंसर में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जो भी उपलब्ध ज्ञान है उससे लोग क्या करते हैं, एक लॉजिक क्रिएट करते हैं, लॉजिक ये हो गया, उससे को फैक्ट के साथ इंपावर करते हैं और लोगों के बीच में उसके बाद क्या होता है, उसको स्वीकारा जाता है, ठीक है, स्वीकारता, ठीक है, स्वीकारता होता है उसका, ठीक है। लोग क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाता है लोगों के बीच में। यही होगा हमारा समाज जो भी चल रहा है, धर्म जो भी चल रहा है, वो इन्हीं चीज चार चीजों पर चलता है, ठीक है। आप बनाएंगे सबसे पहले अवेलेबल नॉलेज, अवेलेबल नॉलेज, ठीक है, फिर तार्किकता, ठीक है, फिर सत्यता और फिर स्वीकारता, ठीक। इसको फिर से एक बार समझाता हूं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा, ठीक। चलिए सबसे पहले समझिए कि आपको कोई नॉलेज है आज के डेट में, ठीक है। आपका नॉलेज ये है कि हम जाते हैं कहीं भी, कोई भी काम करते हैं, जो भी आपको पहले लगता था गलत है अब लगता है सही। जैसे कि मोबाइल फ़ोन था, जब मोबाइल फ़ोन नया नया आया था तो लोगों ने कहा कि इसके रेडिएशन से ये हो, अभी बहुत रिसेंट का एक एग्जाम्पल मुझे ध्यान आ रहा है, अभी जब अभी आपको 5G आया था मोबाइल का, 5G आया था, तो बहुत सारे लोग कोर्ट में गए थे कि जितने भी चिड़िया हैं इससे मर रही हैं, ठीक है, जबकि बाद में साइंटिफिकली पता चला कि नहीं, चिड़िया नहीं मर रही हैं, किसी और कारण से कम हो रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास नॉलेज आया, नॉलेज का उनको लॉजिक लगाया कि 5G है उसमें ज़्यादा स्पीड आ रहा है, मतलब ज़्यादा स्पीड आ रहा है इसका मतलब ज़्यादा वेव होगा, वेव को उन्होंने फैक्ट से किया, चिड़िया कम हो रही हैं, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ भाई, आपका लॉजिक और फैक्ट दोनों मैच हो गया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आया? कोई भी हमारे धर्म में आज के डेट में कोई भी हम लोग धर्म कर्म कांड करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसको किसी न किसी फैक्ट से पहले रिलेट किया गया है। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये मेंस के आंसर में जब आप बनाइएगा, जब भी आपका धार्मिक और सामाजिक आंदोलन आएगा तो ये जब बनाइएगा ये चार चीज़ का, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये फिलॉसफी का उठाया हुआ चीज़ है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। कितने लोगों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? कोई भी हमारे समाज में अगर हम कोई भी रीति रिवाज या धर्म को अपनाते हैं तो यह सामाजिक, कोई भी हम कुरीति या कोई भी रीति रिवाज समाज का, धार्मिक धर्म का रीति रिवाज अपनाते हैं, उसके पीछे यही चार चीज़ होता है। सबसे पहले जो उपलब्ध ज्ञान है हमारा, जो अवेलेबल नॉलेज है हमारा, ये लिखिएगा अवेलेबल नॉलेज, ज्ञान मत लिखिएगा, उपलब्ध ज्ञान, जो अभी हम अभी जो नॉलेज हमें अवेलेबल है, उस नॉलेज के हिसाब से हम लॉजिक लगाते हैं, उस लॉजिक को हम फैक्ट के साथ ताकत बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, और उसके बाद लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कोई भी अभी जितने अभी रिसेंटली अभी हाथरस में एक एक्सीडेंट हुआ है 2 दिन पहले, कितने लोगों ने पढ़ा है?
कि एक बाबा थे, वो पहले कांस्टेबल थे, और कांस्टेबल में उन्होंने कुछ गलत काम किया, उनको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद वो अपना नाम बदल के बाबा बन गए यूपी में ही। और यूपी में बाबा बनने के बाद उन्होंने यही चार चीज़ को यूज़ किया, अवेलेबल ज्ञान को, लॉजिक, लॉजिक को जब भी फैक्ट से। एक और बाबा आते हैं आजकल, हाँ भोले बाबा, वेरी गुड। और उनके यहाँ IAS IPS आके बैठते थे, 200 लोग मरे हैं भोले बाबा जो थे अभी। तो उन्होंने यही सब चीज़ किया। अभी एक और कुछ दिन पहले मैंने देखा था, ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए कहीं दिखा था कि एक क्रिश्चियन बाबा हैं कोई, बड़े बहुत यंग है, नाम नहीं मुझे नहीं ध्यान है, वो हुला लाला हलु आलू कुछ करते हैं और लोग बचपन से नहीं चल पा रहे हैं और चलने लगते हैं। देखा है किसी ने ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट? तो वो क्या कर रहे हैं, वो लॉजिक दिया उन्होंने कि मुंह से एक मंत्र का उच्चारण किया और सामने फैक्ट दिखाया कि आदमी चलने लगा, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बाबा पावरफुल है। तो हमारे समाज में कोई भी रीति रिवाज या धर्म आपको किसी से एक्सेप्ट कराना है तो आप क्या कीजिए, लॉजिक को फैक्ट से रिलेट कर दीजिए, ठीक है? आप कोई लॉजिक से, मैं ही आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको मैं किसी फैक्ट से रिलेट कर दूंगा तो आपको लगेगा हाँ सर ने सही बताया है, इसको पढ़ लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होता है समाज और धर्म का। धर्म या समाज में कोई भी रीति रिवाज चलते आ रही है तो उसके पीछे यही चार चीज़ का रहता है, ठीक है? अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो उपलब्ध ज्ञान है हमारा वो क्या होता है, वो समय के साथ बदलता है, ठीक है? ज्ञान जो है हमारा, ज्ञान है ये समय आधारित होता है, समय आधारित होता है, और जो चीज़ समय से आधारित है वो बदलता रहेगा। अब ज्ञान कुछ दिन में बदल जाएगा, जब ज्ञान कुछ दिन में बदलेगा तो जिसका ज्ञान बदला है उसको लगेगा ये तो बेवकूफ़ी है। जो आदमी पहले बोल रहा था, कभी भी कुछ लोग मानते हैं कि सूरज पूरब से घूम के पश्चिम जाता है, पृथ्वी यहाँ पे है और सूरज ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है? तो और लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया है, ज्योग्राफी पढ़ लिया है, उनको पता है कि सूरज बीच में है और पृथ्वी ऐसे घूम रहा है। अब ये वाला आदमी जिसको ज्ञान ज़्यादा हो गया वो इस आदमी पर हंसता है, ठीक है? वो इस आदमी के लिए मीम बनाता है कि भैया इसको ये नहीं पता है, उसको वो नहीं पता है, ठीक? तो यही अंतर होता है। जब जिनको ज्ञान हो गया वो लोग क्या करते हैं कि जो अज्ञानी है उस पर हंसते हैं, लेकिन कुछ समाज में लोग ऐसे हैं जो कि क्या करेंगे कि समाज में इसके लिए आंदोलन स्टार्ट करेंगे कि भैया तुम भी नॉलेजेबल हो जाओ, तुम भी हमारे बराबर हो जाओ, ठीक है? मैंने वही बोला मीम बनाते हैं अमन जी, उसी के लिए मैंने कहा कि कुछ लोग उसके लिए मीम बनाते हैं, हंसते हैं, तो ठीक है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है, अब समाज में हर कोई तो नहीं बन सकता है, तो कुछ लोगों ने इसी के लिए समाज को सुधारने के लिए और धर्म को सुधारने के लिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन शुरुआत किया। इसका आपको ये समझ में आ गया इंट्रोडक्शन कि क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, ये जानना जरूरी होता है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक जानना जरूरी होता है कि क्यों जरूरत पड़ी। और ऐसा नहीं है कि अभी लोग पैदा हो रहे हैं, हर समय लोग थे। मैं क्या कहते हैं, इनकी नहीं बात कर रहा हूँ जो पाखंडी है उनकी और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन लोग हर समय उपलब्ध थे। अब हम लोग देखते हैं कब कब उपलब्ध थे लोग। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो आते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है, महावीर स्वामी, अगर हम मध्यकाल की बात करें, ये आप मेंस के लिए नोट कीजिएगा, ये पीटी में नहीं आएगा प्राचीन में कौन थे ये से, लेकिन ना जब भी आप मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो आप बताइएगा कि हर समय काल में ऐसे बुद्धिजीवी लोग थे जो अपने समय से आगे, उनको ज्ञान था और उन्होंने बाकी जो लोग पीछे थे उनको इनलाइटमेंट करने के लिए या उनको अपने साथ समानांतर लाने के लिए उन्होंने कई अपने, जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपना जो स्टार्ट किया बुद्धिज्म स्टार्ट किया, महावीर स्वामी ने जैनिज्म स्टार्ट किया, वैसे ही मध्यकाल में आपको कई आंदोलन हुए, जैसे भक्ति आंदोलन है। ठीक है, सूफी आंदोलन है, ठीक है, कई आपको नाम भी बहुत फेमस नाम है, कबीर हो गए, आपको गुरु नानक हो गए, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं आधुनिक काल की। क्योंकि आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग आधुनिक काल वाला पढ़ेंगे, ये आपको मेडिवल और एंशियंट में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग जो थे यूरोप में, हम लोग सबसे पहले यूरोप की बात करते हैं कि यूरोप में 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी कितनों को पता है क्या होता है? 18वीं शताब्दी कब से कब को 18वीं शताब्दी बोलते हैं? ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। 18वीं शताब्दी कहाँ से कहाँ तक को बोलते हैं, कौन बताएगा? बताइए। सही, बहुत लोग करीब करीब पहुंच हुए। 1701 से 1800 तक को 18वीं शताब्दी कहते हैं, कुछ लोग 1800 से 1900 कह देते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं एक बार लिख देता हूँ, इसको जरूर ध्यान रखिए, कई बार आदमी कन्फ्यूज हो जाता है। 1701 से 1800 तक को 18वीं शताब्दी कहेंगे, ठीक है। तो यूरोप में क्या हुआ कि जो एज ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं, पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण मतलब क्या होता है कि बीच में ये लोग बहुत ज़्यादा कर्मकांड और इन सब में फंस गए थे, उसके बाद जो इनका इनलाइटमेंट हुआ वो 18वीं शताब्दी में हो गया, इनलाइटमेंट, ठीक है, 18वीं शताब्दी में हो गया, ठीक है। अब इनको वहाँ पे जो नया ज्ञान आ गया, ज्ञान से ये लोग पहुँच गए कहाँ पे? विज्ञान पे पहुँच गए। और भारत में वो चीज़ थोड़ा सा लेट आया, भारत में कब आया? 19वीं शताब्दी में ये चीज़ पहुंचा। भारत लगभग 100 ईयर्स पीछे चल रहा था, 100 ईयर्स बैकवर्ड। तो भारत में कुछ ऐसी चीजें थी जो उस वक्त लोगों के यहाँ एक्सेप्टेंस था, क्यों? क्योंकि लोग उसको फैक्ट के साथ लॉजिक को एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन इन लोगों के पास क्या था कि ये लोग एडवांस थे। अब कुछ भारतीय, मैं अभी 19 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, कुछ भारतीय जिन्होंने आपको किसी कारणवश यूरोपियन किताबें पढ़ी, यूरोपियन धर्म को जाना, या यूरोप के चक्कर लगा लिए, या यूरोपियों के साथ थे, उनको ये चीज़ आइडिया लगने शुरू हो गया कि जो हम लोग कर रहे हैं ये बहुत बैकवर्डनेस है और ये लोग जो है हमसे आगे हैं। तो इन्होंने क्या किया इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना शुरू किया भारतीयों के बीच में, और उसी के द्वारा कई हमारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलनकर्ता आए, ठीक है, क्लियर है यहां तक? कई यहां पे आंदोलन करता है, इससे हमें यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नाम मैं लिख देता हूं, हम लोग बहुत सारे नाम कवर करेंगे आज इसमें से। जैसे अगर हिंदू की बात करें तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, बहुत फेमस, ये मेंस कैंसर के हिसाब से जरूरी है। स्वामी, ये नाम आपको जरूर लिखना होगा, हर धर्म से नाम लिखना होगा, विवेकानंद, ठीक है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो देवबंद आंदोलन, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन, थोड़ा सा राइटिंग के लिए माफ़ करेंगे सभी लोग। अगर हम सिखिज्म की बात करें, सिख की बात करें, निरंकारी नामधारी, पारसी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो हर धर्म में ऐसे लोग थे जो कि अपने समय से आगे थे, और उन्होंने इस चीज़ से बाकी लोगों को अवगत कराया कि नहीं भैया, ये जो तुम लोग हो ये पुराना चीज़ है, और ये से बाहर आओ और इन चीज़ों पर ध्यान दो। अब क्या क्या कुरीतियाँ थी हमारे समाज में पहले वो समझेंगे, क्योंकि हम सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो सामाजिक जो कुरीतियाँ थी,
सामाजिक कुरीतियाँ क्या क्या थी। सबसे पहले था कन्यावध, जो कि उस समय, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है बाल विवाह, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है स्त्री की दशा, चौथे नंबर पर आता है विधवा विवाह, विधवा विवाह पर रोक था, मतलब समझ लिया, ऐसा नहीं कि विधवा विवाह उस समय वो था, ठीक है। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, नरबलि और दास प्रथा, ठीक। तो ये जो आठ हैं, ये सामाजिक कारण, ऐसे सामाजिक कुरीतियाँ थी जिनसे उस वक्त के लोगों ने अवगत कराया कि नहीं, ये हमारे अगर देश में हो रहा है तो ये गलत है, ठीक है। आज सबको पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, चिंता नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए लिख लेने के लिए। मैं इसलिए लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, मैं स्लाइड से भी पढ़ा सकता था, मैं इसलिए लिख के पढ़ा रहा हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होता है, और आप लोग भी साथ में लिखते रहिए, ठीक है। स्लाइड भी मिल जाएगा, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, स्लाइड भी मिल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए लिखने का, ठीक है। अब कुछ धार्मिक कारण जान लीजिए, वो भी ज़रूरी है। धार्मिक कुरीतियाँ जो थी उस वक्त की, सबसे पहले हो गया था कर्म कांड, ये पूजा करना, दिन भर उपवास करना, ये कर्मकांड, ठीक है। दूसरा अंधविश्वास, विश्वास। तीसरा है पुरोहितवाद या मौलवीवाद, ठीक। तो ये तीन हमारे धार्मिक कारण, ठीक है। अब इनको, इन तीन को आग कहाँ से मिला, तो आग मिलने का जो कारण था, आग मतलब क्या होता है कि कैसे ये चीज़ को बढ़ावा मिला, तो सबसे पहले ईसाई मिशनरी का आगमन होता है हमारे देश में 1813 में, ठीक है। ईसाई मिशनरी का आगमन होता है, और उसके बाद क्या होता है, किसके थ्रू होता है, 1813 चार्टर एक्ट में होता है, ये याद रखिएगा। ये 1813 में चार्टर एक्ट आया था, उसमें ईसाई मिशनरी का आगमन होता है, और ईसाई मिशनरी आने के बाद क्या करते हैं, जो ईसाई अंग्रेजी जो शिक्षा है, ठीक है, और संस्कृति, उसके बारे में यहाँ पे विस्तार करते हैं, ठीक है। और तब लोगों को पता चलता है, देखिए ये आया था किसी और कारण से, ये आया था कि ईसाई को बढ़ाना है, लेकिन इसी से लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस होना स्टार्ट हुआ, और हमारे समाज में धीरे धीरे करके चेंज आना, लोगों को, जो लोग थे जो इसी से अवेयर हुए, बहुत सारे लोग इससे अवेयर हुए, और उसके बाद उन्होंने चाहा कि हम अपने समाज में चेंज लाएँ, ठीक है। तो पुरोहितवाद क्या होता है कि लोगों का कहना है कि अगर भगवान का कोई मैसेज है तो हमें बीच में एक मिडिल मैन नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कई लोगों ने पुरोहितवाद या मौलवीवाद को, क्योंकि पुरोहितवाद अपने हिसाब से मैसेज को डिकोड करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को बताते हैं, तो उनका कहना था नहीं, पुरोहितवाद बंद कीजिए, क्योंकि पुरोहितवाद क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा आपको कर्म कांडों में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप 5 दिन तक फास्ट रखिए, 5 दिन तक यज्ञ कीजिए, आप काम नहीं कीजिए और इसको ये कीजिए, ठीक है। चलिए, तो सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन हुआ, उसका स्वरूप दो तरह का स्वरूप था, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का स्वरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इसमें दो तरह के लोग थे, एक दोनों सुधार चाहते थे, ठीक है, दोनों सुधार चाहते थे। जो पहले थे वो थे जो कि
पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे। ठीक, प्रभावित, समझ गए, जो कि चाहते थे कि भैया हम सुधार लाएं लेकिन हम उनसे इन्फ्लुएंस रहेंगे। ठीक है, और ये थे कि नहीं, हमारे प्राचीन संस्कृति से, प्राचीन संस्कृति से भारत के से प्रभावित थे। अब देखेंगे इसमें दो तरह के लोग, ठीक है, इसमें भी दो तरह के लोग आएंगे, ठीक, जो कि चाहते थे कि पूर्ण चेंज हो जाए, 100% चेंज, पूर्ण चेंज मांग रहे थे ये लोग, क्या कि जो हिंदी का मतलब हम लोग जो भी हमारा धर्म है, समाज है, उसमें 100% चेंज, 100% चेंज, ठीक है। और कुछ लोग चाह रहे थे कि दोनों को मिक्स करके, ठीक है, भारतीय, जो प्राचीन भारतीय प्लस पाश्चात्य संस्कृति को मिक्स करके हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। और यहां मैं सबका एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। यहां कौन थे आपको, यहां थे ब्रह्म समाज, ब्रह्म, ब्रह्म समाज, आगे पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएगा, ब्रह्म समाज थे, ठीक है। यहां थे आपको यंग बंगाल, जो भी आंदोलन था, आंदोलन, ठीक है। और यहां थे आपको पूरा प्राचीन समाज, आर्य समाज, इनका कहना था कि वेदों की तरफ लौटो, बैक टू वेदास, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, ठीक है, ये क्लियर है। वेस्टर्न, पाश्चात्य को वेस्टर्न कहते हैं, सॉरी मैं लिख देता हूं, वेस्टर्न कल्चर। एक इम्पॉर्टेंट फोन आ रहा है मेरा, थोड़ी देर के लिए मैं क्लास को रोकूंगा। थोड़ा कुछ इमरजेंसी काम है, मैं 5 मिनट में, हार्डली 5 मिनट बैक होंगे, तब तक आप लोग पानी वानी पी के रेडी रहिए, ठीक है, ओके।
सभी को थैंक यू वेट करने के लिए। कितने लोग वेट कर रहे हैं, कितने लोग चले गए? आ रही है मेरी आवाज़ अब ना? आवाज़ आ रही है ना? अनेबल टू हियर ऑडियो। आवाज़ नहीं आई क्या अभी भी? चलिए देखिए, रात में भी कुछ अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीज़न में कुछ हो जाता है तो ऑर्डर आपको पास करना पड़ता है। बहुत सीरियस मैटर नहीं था, अगर सीरियस मैटर होता तो मुझे भी जाना पड़ता, लेकिन क्योंकि बार बार ऑफिस के कैसे नंबर से फ़ोन आया, जो कि बहुत सिंसियर आदमी है, तो फिर मुझे लगा कि नहीं जाना ज़रूरी है। तो चलिए, आप सब लोग वेट किए उतनी देर, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग यहाँ थे, वेस्टर्न कल्चर से कुछ लोग प्रभावित थे, कुछ लोग जो इंडिया का जो हमारा मूल कल्चर है, जो वेद वाला कल्चर है, उससे प्रभावित थे। ठीक है, तो इनका मानना था कि नहीं, सिर्फ इंडियन कल्चर होना चाहिए, हमें कुछ कल्चर मिक्स नहीं करना है। और जो वेस्टर्न कल्चर से थे, उनमें दो तरह के लोग थे। एक जो थे कि पूर्ण चेंज कर दीजिए, इंडिया को बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर पर लेते आइए, और एक जो थे कि मिक्स करके लाइए, कि हमारा भी रहना चाहिए कुछ, उनका भी रहना चाहिए कुछ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है सर, आपको थैंक यू, आपने जवाब। चलिए थैंक यू आपका भी, कि आप लोग रुके रहे। यहाँ आइए, यहाँ पे हम लोग सब लोग लौट आइए, सामाजिक और धार्मिक, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आएंगे आपको। हर साल मेंस में एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, और इससे भी आपको, इस टॉपिक से आपको इससे भी क्लियर हो जाएगा कि हमारा सामाजिक धार्मिक में आपको कंटेंट मिलेगा। और पीटी में जो क्वेश्चन आना शुरू होगा, मैं उस टॉपिक पर आने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कि वेस्टर्न कल्चर से कुछ लोग प्रभावित थे, जो लोग चेंज चाह रहे थे, स्वरूप जो है इसका दो तरह का स्वरूप था, दो तरह के कैटेगरीज थी। एक जो लोग चाह रहे थे कि 100% वेस्टर्न हो जाए, एक वेस्टर्न और इंडियन थे, और एक जो एंटी वेस्टर्न थे, उनको था कि वेस्टर्न बिल्कुल नहीं आना चाहिए, सिर्फ हमारा इंडियन कल्चर ही रहे। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे, लोगों को समझेंगे। चलिए क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। सबसे पहले आएंगे हमारे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इनके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग इनके जीवन। ठीक है, फिर इनका उपनाम क्या क्या था, उपनाम, फिर इनकी विचारधारा क्या थी, विचारधारा, फिर हम लोग पढ़ेंगे इनका क्या क्या पुस्तकें आई, जो भी है पुस्तकें, क्या क्या संस्थाएं थी इनके द्वारा। ठीक है, तो ये पांच चीज में हम लोग इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले जीवन से स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था, एक नंबर पॉइंट है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 मई 1772 में बंगाल में, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई आपको 27 सितंबर 1833 इंग्लैंड में, ब्रिस्टल में हुआ था, इंग्लैंड में, इंग्लैंड ब्रिस्टल। ठीक है, ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए। ठीक है, ये अपने शुरुआती दौर में, ये लगभग 1803 से 1814 तक ये अंग्रेजी सरकार में दीवान के पद पर कार्यरत थे, अंग्रेजी सरकार में दीवान के पद पर थे। ठीक, तो इनको कहाँ से नॉलेज मिला होगा ये सब चीज़, क्योंकि ये इस पोस्ट पे थे, ये बहुत करीबी थे, इन्होंने कई तरह से उनके सिस्टम को देखा, उनके कल्चर को देखा, तो इनको लगा कि नहीं भैया, इनके कल्चर में भी कुछ अच्छी चीज़ है जिसे हमें एडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा उपनाम, इनके क्या क्या उपनाम थे। तो उपनाम क्या क्या थे इनके, ठीक है, सबसे पहले इनका राजा जो इनके नाम के आगे लगाया गया, वो किसने लगाया था, तो राजा जो उपाधि दी गई थी इनको 1831 में अकबर दो द्वारा दिया गया था। ठीक है, अकबर दो द्वारा क्यों दिया गया था,
इनका एक पेंशन का मामला था जो कि अटका हुआ था, तो इन्होंने इनको भेजा कि जाइए आप ब्रिटेन जाइए और मैं सारा खर्चा देता हूँ और पेंशन का मामला जो मेरा वहाँ से क्लियर करा के आई कि मुझे कुछ पेंशन मिले कि कुछ अच्छा जिया जा सके। तो ये तैयार हो गए और सब अच्छे से जा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि आप राजा को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इसलिए आपके नाम में हम राजा लगा देते हैं, ठीक है। तो इनके नाम में राजा लगा दिया गया, ठीक, क्लियर। अकबर दो द्वारा दिया गया था, इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। यूपी पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आधुनिक भारत के जनक कौन थे, के जनक, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनको युग दूत की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। ये तीन उपनाम इनका क्लियर है। क्या चीज का सोर्स पूछ रहे हैं एके सिंह जी, सोर्स प्लीज, किस चीज का सोर्स? आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, चलिए क्वेश्चन जब आपका दोबारा टाइप कीजिएगा बता दूंगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब हम लोग का तीसरा टॉपिक है आज का, इनका विचारधारा क्या थी इनकी, इस पे यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया इनके विचारधारा पे। तो ये एक ईश्वरवाद में, एकेश्वरवाद कहते हैं इसको, एकेश्वरवाद इंग्लिश में कहते हैं मोनोथिज्म, कि ईश्वर एक ही है, कई ईश्वर नहीं है। हम लोग जैसे नहीं बोलते हैं कि पेड़ में भी ईश्वर है, कण कण में भगवान, नहीं, इनका ईश्वर एक ही है, ठीक है। ये एक थ्योरी है एक ईश्वरवाद की, इसको मानते थे। जो लोग इसको मानते हैं वो लोग मूर्ति पूजा का अपोज करते हैं, तो ये भी मूर्ति पूजा का, आइडल वर्शिप का अपोज करते थे, ये मूर्ति पूजा का विरोध, आइडल वर्शिप, ठीक है। तीसरा है ये आत्मा की अमरता पर को मानते थे कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरता है, बॉडी चेंज होते रहती है, ठीक है। आत्मा की अमरता को मानते थे इनका मानना था कि स्त्री को भी बराबर शिक्षा दी जाए, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिले, विवाह कर पुनः अपना जीवन फिर से जी सकती है, अंतर जातीय विवाह होना चाहिए। जाति के मामले में इन्होंने देखा कि विदेशों में कोई ऐसा जाति और इन सब चीज़ों पर रोक नहीं है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ भी अंतर जातीय विवाह होना चाहिए, अंग्रेजी भी सबको पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे ये, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है। तो ये इनके साथ जो थे ये इनकी विचारधारा थी, ठीक है। बोर्ड पीडीएफ डालना प्लीज सर, बहुत बार बोले हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है। एके सिंह जी, मैं आपका सवाल अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस चीज़ का सोर्स जानना चाह रहे हैं, या हिस्ट्री पोर्शन, सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, सोर्स किताब जानना चाह रहे हैं कि किस किताब से पढ़े हैं? आप पूछ रहे राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राममोहन राय का 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में, ठीक ठीक है सुमित जी।
स्पेक्ट्रम पढ़िए, स्पेक्ट्रम अच्छी किताब है, स्पेक्ट्रम पढ़िए अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो, और हिंदी है तो भी स्पेक्ट्रम या एसके पांडे दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार उसको अच्छे से पढ़ जाइए तो उसके बाद पढ़िएगा, तो आपको ना पहले से एक दिमाग में स्ट्रक्चर तैयार रहेगा किसी भी टॉपिक का, तब जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा और आप एक्स्ट्रा जो कुछ चीज़ें अगर मुझसे छूट रही हैं तो वो आपको कवर हो जाएगा, वो आपका नॉलेज को इन्हांस करेगा। लेकिन जब पहली बार स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, उतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, ये विरोधी, इन्होंने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था, तो इन्होंने जिस चीज़ का विरोध किया था वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहला है मूर्ति पूजा का, जो मैंने अभी बताया, मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, भगवान मूर्ति में नहीं होते हैं। क्षति प्रथा का विरोध किया इन्होंने, बाल विवाह का विरोध किया इन्होंने, और पुरोहितवाद का विरोध किया इन्होंने। पुरोहितवाद हमने अभी कवर किया था, तो इन्होंने भी उस चीज का विरोध किया। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है पीटी का, वो है कि इनकी पुस्तकें और पत्रिका। कुछ लोगों ने पूछा कि पुस्तक और पत्रिका में क्या अंतर होता है, तो पुस्तक पुस्तक होती है, बुक होता है, ये मैगजीन होता है। इंडिया टुडे मैगजीन है, वो बुक नहीं है। मैगजीन क्या होता है, वो पीरियडिकली आता है, और बुक जो होता है किसी टॉपिक पे एक बार आता है। ठीक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ये इसको रट जाना है आपको, 1809 में, इसको लिख लीजिए, तुहफात अल मू बा ही दीन, किसमें आए थे, फारसी में। कई भाषा में इन्होंने किताब लिखा है क्योंकि कई भाषा पढ़ गए थे। तुहफात अल मुहाबुद्दीन, ठीक है, इनकी एक किताब थी, सबसे पहले इन्होंने किताब लिखी 1809 में, तुहफात अल मुबाहिदीन, इसको फारसी में लिखा था इन्होंने। ठीक है, अगली जो इनकी किताब आती है वो आता है इनका 1820 में, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, इसमें इन्होंने, इसको याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, इसका क्या पूछा, इसमें ईसाई मिशनरी का विरोध किया इन्होंने। ठीक है, ये सपोर्टर थे, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ विरोध किया कि ये लोग भारतीय धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, इसलिए। ठीक है, 1820 में इनकी किताब आई, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, तीसरा इनका जो मैगजीन आया, ब्रह्माइकल मैगजीन। ठीक है, मैगजीन ये आया आपको इंग्लिश भाषा में, ये भी आपको 1820 में इनका ब्रह्माइकल मैगजीन आया। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनका 1822 में आया, संवाद कॉमेडी, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये वीकली था, वीकली मैगजीन था, बंगाली भाषा में आया, और इसमें इन्होंने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। ठीक है, जो सामाजिक बुराई हमने ऊपर पढ़ा है उसका इन्होंने विरोध किया, सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। ठीक है, संवाद कॉमेडी बंगाली में आया, ब्राह्मिकल मैगजीन आपका इनको इंग्लिश में आया 1820 में, और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस आपका इनका 1820 में आया। ठीक है, आगे बढ़े,
और उसके बाद इनका पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मीरात उल अखबार, ठीक है, मीरातुल अखबार जो है ये इनका फारसी में आया, ठीक है, ये फर्स्ट फारसी अखबार था, ठीक है, मीरात उल, ठीक, उल उल है, मैंने टी लिख दिया है, मीरात उल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जितने भी उपनिषद हैं हमारे यहाँ, उपनिषद हैं, उसको बंगला में अनुवाद किया, ठीक है, और इन्होंने बंगला ग्रामर की भी किताब लिखी, किताब, ठीक है। तो ये इनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बुक थे, ठीक है, कई इन्होंने और छोटे मोटे लिखे लेकिन ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये सात को बिल्कुल आप लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। 1809 में तूफात अल मुहाबदीन फारसी में, 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, 1820 में ब्राह्मिकल मैगजीन, 1822 में संवाद कौमदी ये वीकली बंगाली में, पाँचवें नंबर पर मीरात उल अखबार इन्होंने फारसी में स्टार्ट किया, फर्स्ट फारसी अखबार था, उपनिषदों का बंगाल में अनुवाद किया, बंगला में अनुवाद किया और बंगला में बंगला ग्रामर की किताब लिखी, ठीक है। अब इनके द्वारा क्या क्या संस्थाएं शुरू की गई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। राजा राम मोहन राय से कई बार कितने सवाल आ चुके हैं, जब आप देखिएगा किताबों को पलटिएगा प्रीवियस ईयर तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इन्होंने 1814-15 में आत्मीय सभा का स्टार्ट किया, आत्मीय सभा किसके लिए किया, इसमें जितने भी हमारे दार्शनिक विचारों जितने भी दार्शनिक विचार वाले व्यक्ति होंगे वो लोग बैठ के आपस में फिलोसफिकल चर्चा करेंगे, ठीक है, फिलोसफिकल चर्चा के लिए, ठीक है, फिलोसफिकल चर्चा के लिए उन्होंने ये किया। फिर उसके बाद इनका जो इम्पोर्टेंट आता है दो नंबर पे, हिंदू कॉलेज, ये कब किया था इन्होंने, 1817 में हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना किया, ठीक है, किसकी मदद से किया था, तो डेविड हेयर की सहायता से, ठीक है। इसके लिए क्या खासियत थी हिंदी कॉलेज में, इसमें अंग्रेजी शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाता था कि भैया अंग्रेजी भी सीखो, इंग्लिश मीडियम कॉलेज था ये हिंदू कॉलेज, ठीक है। बाद में 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया, क्या बन गया 1855 में, प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया, ठीक है। कहाँ है प्रेसिडेंसी कॉलेज कौन बताएगा। फिर तीसरे नंबर पे आइए, इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, कमिटी यूनिटेरियन कमिटी की स्थापना की, ठीक है। ये क्यों किया था, ये किया था इसलिए क्योंकि जितने भी लोग एकेश्वर एकेश्वरवाद के समर्थक हैं वो लोग एक साथ आके इस पर चर्चा कर सकें, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाते हैं ना, उस तरह से इन्होंने कमिटी के लोग बनाया करते, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है इनका 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज, ठीक, इसमें क्या था, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों पे जोर दिया गया, ठीक है। पांचवें नंबर पर इन्होंने क्या किया, वेदांत
कॉलेज 1825 में इसकी स्थापना की, ठीक है। और सबसे लास्ट में इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने 1828 में। अब यहाँ से हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्म समाज क्या था, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ मैं। संस्थाएं जो इनके द्वारा शुरू किया गया, 1814-15 में आत्मीय सभा, फिलोसफिकल चर्चा होती थी, जितने भी फिलोसफी के एक्सपर्ट लोग थे वो आते थे और फिलोसफिकल चर्चा करते थे कि लोग और आए उनको भी फिलोसफी के बारे में पता चले, लोग तर्क सीखें। 1817 में हिंदू कॉलेज डेविड हेयर की मदद से, जिसको जो बाद में चल के 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, एक ईश्वरवाद के समर्थक जितने भी लोग होंगे इस कमेटी में आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि और भी लोग इसको समझें। 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज, ठीक है। ठीक है यहाँ तक, चलिए कलकत्ता में है, बहुत अच्छी बात है, सबको पता है। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग कि क्लास कंटिन्यू करें या क्लास को रोक दें, क्योंकि अभी आज बहुत ज़्यादा पढ़ना है हम लोग को। एक बार पानी पीने का ब्रेक मिल चुका है सबको, तो क्लास आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनका जो ब्रह्म समाज था, इन्होंने ब्रह्म समाज 1828 में स्टार्ट किया। क्लास कंटिन्यू करें, सबकी ही आवाज़ है, चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग उतना आपका फ़ायदा होगा। चलिए, तो ब्रह्म समाज स्टार्ट करने के बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1833 में मृत्यु हो गई इनकी। अब मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा था कि ब्रह्म समाज में अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो दो लोग को इन्होंने नॉमिनेट कर दिया था संचालक के तौर पर, ठीक है। संचालक नॉमिनेटेड थे इनके द्वारा पहले से ही, ये सवाल पूछा जाता है इसमें कई लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा जो पहले थे ये थे पंडित राम चंद्र विद्या वागीश, ठीक, और दूसरे हैं महर्षि द्वारिका, महर्षि द्वारिका नाथ टैगोर, ठीक है। ये दो लोग को इन्होंने नॉमिनेट किया था, ठीक है। कई लोग इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर पर टिक कर देते हैं, नहीं, द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्या वागीश, ठीक है। इन दोनों को इन्होंने संचालक के तौर पर पहले से नॉमिनेट किया गया था और ये लोग इन्होंने चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब इनकी उम्र हो गई तो महर्षि द्वारकानाथ टैगोर के जो पुत्र थे देवेंद्रनाथ टैगोर, वो बन गए इनके अगले संचालक। ठीक है, कौन बने, इनके पुत्र, इनके पुत्र बने देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अब ये आगे ले गए, ये जब आए तो इन्होंने एक नई पूजा पद्धति स्टार्ट की ब्रह्म समाज के अंदर, उसका नाम था ब्रह्मोपासना, ठीक है, ब्रह्मोपासना। इसके द्वारा स्टार्ट किया गया, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्मोपासना स्टार्ट किया गया। क्या है ये नई पूजा प्रथा है, ठीक है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब कई बार सवाल आ चुका है यहां से, इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में बैठाते चलिए। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया, नई पूजा पद्धति स्टार्ट की गई जिसको कहते थे ब्रह्मोपासना, ठीक है। अब देवेंद्रनाथ टैगोर आने से पूर्व उन्होंने कुछ काम किया था ब्रह्म समाज में आने से पूर्व, तो ब्रह्म समाज में आने से पूर्व, क्योंकि इनके पिताजी ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड थे तो ये भी टैलेंटेड थे, तो आने से पूर्व उन्होंने क्या क्या काम करके आए थे वो, तो आने से पूर्व उन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया था। 1839 में नहीं, पहले उन्होंने तत्व रंजनी सभा स्टार्ट किया था, ठीक है, तत्व रंजनी
सभा, समझ लीजिए जैसे हम लोग आज के डेट में व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ना, तो उस समय का ये व्हाट्सएप ग्रुप सभी लोग बनाते थे, मतलब एक क्या तरीका बता रहा हूँ आपको समझने का, तत्वरंजनी सभा। और बाद में यही चल के इन्होंने 1839 में इसी सभा को उन्होंने बना दिया तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा, मैं एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूँ इसको, तत्वबोधनी सभा, ठीक है। और एक मैगजीन भी निकाला इन्होंने, उस मैगजीन का नाम था, एक पत्रिका भी इन्होंने निकाला था, उसका नाम था तत्वबोधनी, ठीक है। ये बंगला में था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किस भाषा में था, ये इनके द्वारा ही निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा निकाला, तत्वबोधनी निकाला गया था। और इसके संपादक जिसको रखा गया वो थे ईश्वर चंद्र विद्या सागर। थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा हो रहा है लेकिन समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो काम किए उस पर कई बार सवाल आ चुका था। हम लोग फिर से यहाँ आते हैं, 1828 में ब्रह्म समाज आया, ठीक है। ब्रह्म समाज अपने समय से बहुत आगे चल रहा था, इसलिए 18 में 10 जोड़ दीजिए 28, ठीक है। तो 1828 आपके दिमाग में डेट फिक्स हो जाना चाहिए कि 1828 में इनका ब्रह्म समाज आया। उसके कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 1833 में मृत्यु हो जाती है, डबल तीन है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले इन्होंने दो लोगों को नॉमिनेट करके रखा था, पंडित रामचंद्र विद्या वगीश, मेरे साथ एक बार सब लोग बोलते रहिए, पंडित रामचंद्र विद्या वगीश और महर्षि द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर को लोग कई बार देवेंद्रनाथ टैगोर समझ लेते हैं, नहीं, द्वारकानाथ टैगोर इनके पिताजी थे। इनके बाद इनके पुत्र जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, उनका संचालन में आ जाते हैं, और ये आते ही एक नई पूजा तकनीक शुरू करते हैं, ब्रह्मोपासना, ठीक है। ये इनके द्वारा ब्रह्मोपासना शुरू किया गया था, वहीं देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधनी सभा बनाया गया, और तत्वबोधनी सभा बनाया गया और तत्वबोधनी मैगजीन निकाला गया। किसके द्वारा निकाला गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा निकाला गया, ठीक है। और 1840 में इन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, तत्वबोधनी स्कूल की शुरुआत की, ठीक है, स्कूल की शुरुआत की, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1857 में एक नए मेंबर आके जुड़ते हैं ब्रह्म समाज से, उनका नाम होता है केशव चंद्र सेन, और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आदमी होते हैं, तो इनको देवेंद्रनाथ टैगोर को लगता है कि चलो भैया, एक मेरा लगता है अगला आ गया मेरा सक्सेसर, तो इनको 1859 में ये मुख्य आचार्य बनाते हैं। ये किसको? केशव चंद्र सेन को। हम लोग अब यहाँ पहुँच चुके हैं, केशव चंद्र सेन के आचार्य को। देखिए, हम लोग 1857 में वहाँ युद्ध लड़ रहे थे, क्रांति कर रहे थे, और ये लोग यहाँ पे सभा बना रहे थे, और इसको दोनों का ही है मुख्य आचार्य इनको बना दिया, ठीक है। और खुद कहाँ चले गए? खुद चले गए वन की तरफ, प्रस्थान कर गए कि मेरी उम्र हो चुकी है, अब तुम संभालो, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथी हो। अब ब्रह्म समाज किसके अंदर आ गया? ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। तो नया हीरो कौन आ गया अब हमारे इस स्टोरी में? ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग यहां से किसके बारे में पढ़ेंगे? केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है 1833 में, उसके बाद ब्रह्म समाज कुछ दिन के लिए जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। सबसे पहले जाता है इनको द्वारकानाथ टैगोर, और ये नाम जरूर याद रखिएगा, पंडित रामचंद्र विद्या वगीश, ये नाम मत भूलिएगा, कई बार सवाल में बच्चे फंसते हैं इसमें, ठीक है। अब पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का देखिए, तो उन्होंने उसमें भी एक आध बार पूछा हुआ इस चीज़ को कि कौन कौन थे, तो आपको मल्टीपल में दोनों नाम रहेंगे, और आपको लगेगा नहीं आप बहुत एक्सपर्ट हैं, तो द्वारकानाथ टैगोर पर टिक लगा के आ जाइएगा, ठीक है। पंडित रामचंद्र विद्या वगीश को भी आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद इन्होंने रहने दीजिए, थोड़ा सा और कर लेते हैं आज, केशव चंद्र सेन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।
डिवीजन होगा आगे जाके ब्रह्म समाज का। थोड़ा सा केशव चंद्र सेन को 5-10 मिनट और कर लेते हैं, फिर छोड़ देंगे छोटन जी, ठीक है। चलिए अब वन प्रस्थान जाने के बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारे हीरो आते हैं केशव चंद्र सेन आते हैं। केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, ये इसके विस्तार पे काम करते हैं। कौन है हमारा, केसी सेन कहते हैं या फिर इनको केशव चंद्र सेन। ठीक है, ये विस्तार पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। किस पे करते हैं, एक्सपेंशन पे। कहाँ कहाँ एक्सपेंशन करते हैं इसका, तो बंगाल के बाहर, ये यूपी, बॉम्बे में भी विस्तार करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आने के बाद क्या किया, 1860 में इन्होंने संगत सभा स्टार्ट किया ब्रह्म समाज के अंदर ही, संगत सभा। संगत सभा में क्या था कि सभी धर्मों के जो समस्याएं थी उसको ये सुनते थे। ठीक है, और 1861 में इन्होंने क्या किया, इंडियन मिरर नाम से, इंडियन मिरर नाम से एक डेली न्यूज पेपर स्टार्ट किया। ठीक है, ये भारत का प्रथम दैनिक अखबार था। भारत का प्रथम डेली न्यूज़पेपर कौन सा था, इंडियन मिरर। मिरर के स्पेलिंग में MIRROR है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ गया कि 1861 में केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन मिरर स्टार्ट किया गया था, जो भारत का प्रथम दैनिक अखबार था। ठीक है, एक प्रॉब्लम यहां इनके साथ क्या हो गया, केशव चंद्र सेन के साथ, केशव चंद्र सेन ईसाई धर्म की तरफ बहुत ज्यादा उनका झुकाव था। ठीक है, इनका ईसाई धर्म की तरफ थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता था ईसाई धर्म। तो वो क्या किए कि उन्होंने एक एग्जाम्पल, उसका लोग हमेशा कोट करते हैं कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में उनको एक गेस्ट की तरह बुलाया गया था, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए अब मैं बस बता दे रहा हूँ। तो उन्होंने एक भाषण वहाँ दिया था, जीसस क्राइस्ट यूरोप एंड इंडिया, और उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी ईसाई धर्म की और जीसस क्राइस्ट की। इसका नतीजा क्या हुआ कि अब ब्रह्म समाज में पादरियों का हस्तक्षेप होने लगा, पादरी का हस्तक्षेप होने लगा, और बहुत ज़्यादा ईसाई क्रिश्चियन जो भी रिलीजन उनका इंटरफेरेंस होने लगा। ठीक है, अब जो कुछ लोग थे वो परेशान हो गए कि भैया ये क्या होने लगा, ये तो बनाए थे कुछ और, ये तो बनने लगा अंग्रेजी। तो लोग गए जंगल में खोजने के लिए कि भैया कहाँ चले गए देवेंद्रनाथ टैगोर। तो वहाँ जाके मिले देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर आके इनको समझाए, ये नहीं समझे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर बोले कि मैं अब वापस आ गया, आई एम बैक। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बोला आई एम बैक, और ये बात है 1865-66 की। ठीक है, और इस समय क्या हुआ, इन्होंने बोला कि तुम निकल जाओ, उन्होंने कहा कि नहीं निकलूंगा, कोई कुछ उनके भी फैन थे। तो अब ब्रह्म समाज में बंटवारा हो गया। ठीक है, एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, जो मूल है, आदि बोलिए या ब्रह्म समाज में जो लोग रह गए। ठीक है, ब्रह्म समाज ये हो गया आपको देवेंद्रनाथ टैगोर के अंडर में, देवेंद्र नाथ टैगोर के अंदर में।
और दूसरा हो गया भारत वर्षीय, ठीक है, ब्रह्म समाज, ठीक है, इसके हो गए केशव चंद्र सेन। ठीक, यही दिख रहा है, सब लोग बोल रहे हैं रहने दीजिए, क्या करें बताइए। केशव चंद्र सेन को थोड़ा सा और जान लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक जो नया स्टार्ट होगा हम लोग कल आर्य समाज से शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कट गया है लिखने में, तो इसको कैसे इधर लाएं। ठीक है, भूख भी लग गई है, सही बात है, भूख तो लग गई है। किस चीज़ की भूख लगी है, सफलता की भूख लगी है कि खाने की भूख लगी है श्वेता जी? अगर सफलता की भूख लगी है, वो कहानी याद रखिए चीता और हिरन की, कि चीता को लगी थी खाने की भूख और हिरन को लगी थी जान बचाने की भूख, तो हिरन अपनी शारीरिक क्षमता से तेज दौड़ के उसने अपनी जान को बचा लिया। तो सफलता की भूख लगी है, किस चीज़ की भूख लगी है जल्दी बताइए श्वेता जी, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। SDM श्वेता सिंह, मेरी क्लास की टाइमिंग फिक्स्ड है, 9:30 बजे रात से मैं क्लास लेता हूँ, और डेली नहीं लेता हूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शाम को लगभग 4-5 बजे इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ मैं कि आज रात में क्लास लूँगा कि नहीं लूँगा, ठीक है। सफलता की है पर भूखे भजन नहीं होता, ठीक है। चलिए 10 मिनट में क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को ख़त्म कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत फैक्चुअल चीज़ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जब आप बुक से पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उसके थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के मामले में है तो उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। केशव चंद्र सेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केशव चंद्र सेन ने केशव चंद्र सेन, ठीक है, ये क्या हुआ, इन्होंने क्या किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम किया था केशव चंद्र सेन ने, हमने ही देखा था विस्तार पे। तो ये क्या करते थे, लेके ब्रह्म समाज के यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, एक्सपेंशन पे इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था। तो ये क्या करते थे कि सब जगह जा जा के लोगों को प्रेरित करते थे कि भैया तुम लोग अपनाओ ब्रह्म समाज की चीज़ों को, ठीक है। तो इन्होंने मद्रास में वेद समाज, ठीक है, और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के लिए मोटिवेट किया कि आप लोग यहाँ खोलिए। तो प्रार्थना समाज किसके द्वारा खोला गया था, आत्माराम पांडुरंगा द्वारा, ठीक है। तो इनके द्वारा मोटिवेट करने पे यहाँ पे ये दो संस्थाएं खुली, ठीक है। आगे चल के इन्होंने 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन शुरू किया, एसोसिएशन स्टार्ट किया, ठीक है। फिर इन्होंने 1872 में, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, नेटिव मैरिज एक्ट बनाया, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी कहानी थोड़ी जुड़ी हुई है इससे। नेटिव मैरिज एक्ट बनाया जिसको कि ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहते थे, या ये पूछ लेगा ब्रह्म मैरिज एक्ट किसने बनाया, ब्रह्म मैरिज एक्ट, ठीक है, या इसको सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, ठीक है, एक्ट। और इस एक्ट में क्या डिसाइड किया गया, लड़के और लड़कियों के शादी की उम्र डिसाइड की, ठीक है, एज कितना स्टार्ट किया गया, गर्ल्स के लिए कितना बनाया गया और बॉयज़ के लिए कितना बनाया गया,
गर्ल्स के लिए 14 रहा और बॉयज़ के लिए 18 रहा। देखिए इसी से समझ में आता है कि गर्ल 14 साल की लड़की और 18 साल का लड़के का दिमाग का लेवल एक होता है, तभी तो दोनों को एक पे नापा गया। तो लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं कम उम्र में लड़कों के कंपेरेटिवली, ठीक है। तो लड़कियों की उम्र, शादी की उम्र 14 बताई गई और लड़कों के क्या बताया गया, 18 बताया गया। अब इन्होंने ये रूल बना दिया इसी एक्ट के तहत, नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट के तहत इन्होंने एज बना दिया, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन क्या हुआ कि इनकी अपनी जो बेटी थी वो 13 साल की थी और कूच बिहार के राजा ने शादी का प्रपोजल भेज दिया इनकी बेटी से, ठीक है, मैरिज प्रपोजल भेज दिया, ठीक है, प्रपोजल। उस वक्त इनकी बेटी की उम्र कितनी थी, मात्र 13 साल थी, बेटी जो थी 13 साल की थी। इन्होंने क्या किया, शादी कर दिया। अब इसके कारण क्या हुआ कि इन्हीं के ग्रुप के लोग ने बोला कि भैया तुमने, क्योंकि रूल हमेशा बनता है दूसरों के लिए, पता है कि नहीं, रूल क्या बनता है, हमेशा बनता है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं बनता। इन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा, लेकिन इतना अच्छा ऑफर आ गया, इन्होंने सोचा कि इतना अच्छा ऑफर रिजेक्ट करेंगे तो फिर बेटी का भविष्य खराब होगा। तो इन्होंने क्या किया, बेटी का शादी इन्होंने 13 साल की उम्र में कर दिया। अब 13 साल की जब उम्र में शादी किया तो लोग क्या हुआ कि लोग नाराज हो गए, और लोग नाराज होने के बाद क्या हुआ कि एक और जो था इनका भारतवर्षीय जो ब्रह्म समाज इन्होंने बनाया था यहाँ पे, भारतवर्षीय जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज इन्होंने बनाया है, इस ब्रह्म समाज के भी दो भाग टूट गए, ठीक है। एक तो इनके पास रह गया और दूसरा जो था, दो भाग हो गया इसका, एक तो भाग इन्हीं के पास रह गया भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन के पास रह गया, और दूसरा बन गया इनका साधारण। उन्होंने कहा नहीं भैया, ये खुद ही अपनी नियम, अपना नियम बनाए हुए पर नहीं टिक पाया, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। इसको किसने बनाया, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने, ठीक है, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, ठीक है, क्लियर, क्लियर है। अब दो मिनट में हम लोग काम देख लेते हैं कि साधारण ब्रह्म समाज जो बनाया गया उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया। तो साधारण ब्रह्म समाज के द्वारा, जैसा कि नाम है, साधारण काम ही किया गया, बहुत ज्यादा काम तो किया नहीं गया साधारण ब्रह्म समाज के द्वारा, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। इनके द्वारा क्या काम किया गया, तो इनके द्वारा एक मैगजीन स्टार्ट किया गया, तत्व कौमदी, ठीक है, पत्रिका किस भाषा में था, बंगला में था, पहला काम। दूसरा काम, पब्लिक ओपिनियन, एक पत्र निकाला गया इनके द्वारा, ठीक है। और तीसरा काम किया गया, सिटी कॉलेज कलकत्ता की स्थापना, ठीक है। तो ये तीन काम किया गया साधारण ब्रह्म समाज द्वारा। अब हम लोग चलेंगे आगे थोड़ा सा, प्रार्थना समाज बचता है छोटा सा, प्रार्थना समाज करने के बाद हम लोग कल करेंगे, घबराइए नहीं, 10:50 हो चुका है, लेट हो चुका है, भूख लगी है बहुत सारे लोगों को। तो क्लियर है आज का, थोड़ा सा फैक्चुअल था लेकिन कोशिश किया है मैंने कि उसको भी क्लियर करता चलूं। तो क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। जो लोग जगे हुए हैं, कुछ लोग सो गए हैं, कुछ लोग डिनर करने के लिए निकल गए हैं, क्लियर है। जैन दलाल जी, उमेश चंद्र दत्ता भी थे, अच्छी बात है। चलिए तो कल सब लोग रिवाइज करके आइएगा, मेरी क्लास से जस्ट पहले आपको
5-10 मिनट में इसको रिवाइज करना है। 2-3 बार आप इसको अपने आँख के पास से गुजार लीजिएगा। याद नहीं करना, एक फैक्ट याद नहीं करना है, ठीक है। याद करने का तरीका क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन बना के कि इनकी मृत्यु तब हुई थी तो 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु से पहले इन्होंने ये काम किया था, ब्रह्म समाज बनाया था, तो 1833 से पहले ब्रह्म समाज बना होगा। सर ने बताया था कि ब्रह्म समाज बहुत एडवांस था, तो 1800 ईस्वी की बात चल रही थी, तो 1828 में ब्रह्म समाज बना होगा, 18+28, ठीक है, 1828, तो 1828 हो गया, 1833 हो गया। इस तरह से करके एक दो फैक्ट को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी चीज़ याद करने का तरीका क्या होता है, किसी याद किए हुए चीज़ से उसको रिलेट कर दीजिए। जो मैंने नोट्स बताया है उतना ही नोट्स बनाइएगा, उसी को रिवाइज कीजिएगा, फिर घटनाचक्र क्वेश्चन कीजिए, कुछ चीज़ें उसमें खुद से ऐड कीजिएगा, ठीक है। डेट याद करने का मैंने तरीका बताया कि 2-3 डेट याद कर लीजिए, उस डेट को कहीं ना कहीं से रिलेट कर दीजिए। मैंने एक बीच में आपको एक छोटी सी चीज़ बताई अभी कि ये लोग 1857 में युद्ध लड़ रहे थे और ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे, 1857 में नया मेंबर जोड़ रहे थे, 1857 में केशव चंद्र सेन को जोड़ा, ठीक है। तो 1857 में मेंबर था, 1857 में केशव चंद्र सेन जुड़े, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ रिलेट करके, याद नहीं कीजिएगा, किसी फैक्ट से उसको रिलेट कर दीजिएगा कि इस फैक्ट से इसको रिलेट कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए तो हम लोग कल मिलते हैं। मेरा मन था कि प्रार्थना समाज भी खत्म कर देते, लेकिन आप सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि खाने के लिए छोड़ दिया जाए, तो खाने के लिए छोड़ देते हैं, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। गुड नाइट।